हाँ जी, तो जे असी अज फिर तैयार श्यार हो ही हाँ तो फिर क्यों ना अज ब्लॉग ही बना लिए थोड़ा जहा। तो गुड मॉर्निंग जी, किदा सारे, सत श्री अकाल जी। कॉलेज जा रहा हूँ और मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ, मेरे को सैटरडे संडे मेरी शिफ्ट मेरे को मिल चुकी है। धूप बहुत हो रही है, ठंड है पर धूप भी है। कॉलेज असी आ गया एंड आज ना कुछ ब्लॉग व्लूग नहीं बना रहा मैं, वो तो आज ऐसे ही ना तैयार श्यार होके आया था तो मैंने कहा आपको अपने कपड़े दिखा दूँ। तो बस यही सी ना, बाकी ब्लॉग व्लूग आज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लिप जो होगी ना उसमें मेरे कपड़े चेंज हो चुके होंगे और वो अगला दिन होगा, तो नेक्स्ट क्लिप जाके देख लो। ओके जी, रात हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे दिन में। अभी मैं आ रहा हूं सीधा अपनी जॉब से, तो तभी रात हो रही है। मेरी शिफ्ट थी 12 से लेके 8 बजे तक, 8 घंटे की शिफ्ट मिलती है यहाँ पे। एक शिफ्ट जो होती है वो 8 घंटे की होती है एंड अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा करते हो, पर 1 घंटा या 2 घंटे ऊपर कर लेते हो तो आपको ओवर टाइम मिलता है, तो वो बहुत मुश्किल से ही देते हैं। खैर, बहुत इंतज़ार हो रहा होगा आपको कि हाँ नवजोत कब ब्लॉग डालेगा। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो मेरे ब्लॉग्स को। सो इस वीडियो में ना मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एंड अभी मेरे को पता नहीं है कि मेरा क्या प्लान है। आज है संडे, सो अभी तो हम जाएंगे घर सीधा। पीछे बहुत ज़्यादा विंड की नॉइज़ आ रही थी यार, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना विंड को, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो अभी प्लान क्या है, अभी जाऊँगा सीधा घर एंड आज मेरा टिफिन आएगा नहीं, तो आज हमें बाहर से कुछ खाना पड़ेगा। तो देखते क्या खाते हैं एंड अपने फ्रेंड को भी कॉल करता हूँ मैं, जसराज को, कि भाई अगर वो अपनी डिलीवरी वाली जॉब कर रहा है ना तो मेरे को भी उठा ले, मैं साथ बैठ के ना मैं भी लोगों को खाना खुना दे दूंगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हम कितने पैसे बना लेते हैं डिलीवरी जॉब्स करके, है ना। सो उसके बारे में भी एस्टिमेट दूंगा। और एक चीज़ और बताऊँगा कि ना कैनेडा आकर ना मैंने ये देखा, जो नए नए बंदे आते हैं ना, न्यू कॉमर्स जो है, वो आके ना अपने जो पैसे होते हैं ना वो ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते और बहुत जल्दी खर्च देते हैं और फिर ब्रोक हो जाते हैं। हुआ मैं भी था, तो मैं वही चाहता हूँ कि आप ना हो, तो उस चीज़ के बारे में भी बताऊँगा मैं। मेरी किस्मत ना एक बारी में चमक जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। जसराज को ना मैंने भी फ़ोन करा, वो बेचारा अपनी दूसरी जॉब कर रहा है, वो नहीं आ सकता। अब थोड़ा मुश्किल हो गया कि यार मैं, मेरा मेन कंटेंट ही जसराज था, अब जसराज नहीं है तो मैं क्या करूँगा। कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि हाँ अपनी तरह से जो भी ऐड ऑन करके आपको करा सकूँ या दिखा सकूँगा, हम करेंगे। बाकी ये देखो आप, कितनी सुंदर चर्च बनाई है ना इन्होंने, मतलब मज़े आ गए, मतलब क्या ब्यूटीफुल सा है ना। आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मतलब जब मैं काम कर रहा था ना, तो यहाँ पे थोड़ी स्नो भी पड़ी थी। मेरे को लगा था कि रात तक ना थोड़ी स्नो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, पर ये ना बस हल्की सी पड़ी, मतलब ऐसे जैसे नमक नहीं छिड़कते बस वैसे छिड़की, पर बंद ही होगी। मेरे को तो लगा था कि आज नहीं ये ब्लॉग बन जाएगा कि हाँ फर्स्ट स्नो इन विनिपेग। मेरा भगवान भाई मेरा साथ देता ही नहीं है। ये जो आप कांच का ये देख पा रहे हो ना छोटा सा कंपार्टमेंट, ये है, ये बेसिकली पता क्यों बनाया है, ये बेसिकली उनके लिए बनाया है। जैसे अगर मान लें यहाँ पे स्नो पड़ती है ना, तो लोग बाहर ठंडे में खड़ा ना होने पड़े, तो ये थोड़े हीटेड होते हैं। हीटेड इन दी सेंस लाइक, अभी देखो कितना कचरा मचाया हुआ कैनेडा होते हुए भी, बट ये जो है ना सीट, इसके नीचे लगा हीटर, ये देखो आप वो लगा हीटर। तो उस हीटर में से आती है गर्म हवा और आपकी पीछे गर्म गर्म हो जाती है, एकदम सेका मिलता है और सेट हो जाता है मामला। भाई नींद आ रही है, देखो तो छूट गया, मेरे को नींद आ रही है, एक मिनट दिखा दो ये। भाई मेरे को नींद आ रही है, ये देख, ये भी सोने मजा आ गया, मजा आ गया। मच मोर, मच मोर, स्टार्ट नहीं हुई, होगी होगी तो, अरे होगी होगी, चलो मारो एक पट से हेडशॉट, एक पट से हेडशॉट। सरदार जी को गुस्सा आ गया, ओ माय गॉड, चाक के मारे कुछ, ओ माय गॉड, एक और शॉट, ओए होए होए, देख के दो मुटिया ने मारिया। ये सरदार जी ने गोल चक्कर घुमा के मार,
इसको मैं फीचर कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में, ठीक है भाई। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग है सारा नू, सुबह हो चुकी है भाई, अपना सेम रूटीन स्टार्ट हो चुका है। और आपको कल लड़ाई देख के मज़ा तो आया होगा, है ना। देखो जब स्टूडेंट साथ में इकट्ठे रहते ना मज़ा बहुत आता, वैसे लड़ थोड़ी रहे थे वो, तो हम खेल रहे थे। सो हम रात को ऐसी फन वगैरह करते हैं तो मज़ा बहुत आता है यार। देखो फैमिली तो है नहीं, है ना, तो यही अब यही यार ही कमाए हैं बस, है ना। तो बस यही यार, थोड़ा बहुत फन वगैरह कर लेते हैं और मन को भी थोड़ा खुशी मिलती है, इतना होमसिक फील नहीं होता। एंड अब हो चुका है मेरे कॉलेज जाने का टाइम, तो फटाफट से ना अब निकलेंगे। मैं निकला ही था और मैंने फिर मेल बॉक्स चेक करा तो अपना इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड आ चुका है। सो बेसिकली ये क्या है, जो हमने कोविड की जो डोज लगाई थी ना, मैंने लगवाई तो इंडिया में थी, पर मैनिटोबा में क्या सीन है कि ये कहते हैं कि आप कार्ड दिखाओ, तो कार्ड शो करना पड़ता है हमें। तो इसमें QR कोड होता है पीछे, वो स्कैन करते हैं, उससे पता चल जाता है कि बंदा डबल वैक्सीनेटेड है या नहीं है। सो इसमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि कई जगह पे ना एंट्री नहीं मिलती थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हारे पास कार्ड नहीं था। बट नाउ आई हैव दिस कार्ड, नाउ आई कैन गो एनीवेयर आई वॉन्ट। सो जो भी इंडिया से आएंगे मैनिटोबा, उनको ये कन्वर्ट कराना पड़ेगा। सो आपको मैनिटोबा हेल्थ को कॉल करना पड़ता है एंड देन आप कन्वर्ट करा सकते हो। मौसम की बात करना तो यार ठंड आ चुकी है एंड फील हो रही है, लाइक हाथ अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकाल रहा ना तो ऐसे फ्रीज से हो जा रहे हैं। तो व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि अब ट्राईपॉड वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करता, इतने पैसे है भी नहीं हमारे पास, हम लो बजट बनते हैं, जो मिलता है उसी से काम चला लेते हैं। ओह माय गॉड, फाइनली फ्री हो चुका हूँ, ठीक है। अब फटाफट से चेंज करेंगे, घर जाना है। और एक चीज़, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कमीना लॉक, ये भाई साहब जी जिद्दी बड़े हैं, मतलब खुलता ही है यार एक बारी में। यार ये ना अंग्रेजी लॉक का ना बड़ा स्यापा है, एक तो ना अंग्रेजी है तो फिर उसी वजह से ना अंग्रेजी लॉक है ना, तो ये फिर टाइम लेता थोड़ा खुलने में, थोड़ी लेट समझ आता ना हमको। हाँ जी, तो चेंज वगैरह हम कर चुके हैं, ठीक है। और मैंने कहा यार चलो एक लास्ट चीज़, वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हो ना, तो यार ब्रो, यार ब्रो तो नहीं मतलब सिर्फ लड़कों को ब्रो कह रहा हूँ, लड़कियों को नहीं कह रहा। तो यार देखो, GIC जो आप लेकर आते हो ना इंडिया से, $10,000 जो आपको यहाँ पे एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, तो उसको ज़रूर सेव कर लो, है ना। क्योंकि अगर आप उसको साथ साथ खर्चते जाओगे ना, तो फिर आपको अगले साल बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर होता है कि यार और कोई इनकम सोर्स बचता नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप जॉब, आपकी जॉब से ही आपको पैसे आने हैं। सो अपनी GIC ज़रूर सेव करो जितना हो सकता है, मतलब पता क्या करो, हर महीने ना $50 ना सेव कर लो, है ना, जस्ट इन केस कि हाँ। सोचो आपको मंथली जो GIC आती है 650 के अराउंड समथिंग आती है, तो उसमें से आप $50 साइड पे भी रख लोगे, है ना, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर आके काम आ जाएंगे। तो अगर आपने 2 साल की पढ़ाई है, तो 1 साल की आपने थोड़ी सी GIC सेव करके नेक्स्ट ईयर उसको आप आधी आधी खर्च सकते हो। तो ऐसे करो, है ना, थोड़ी बहुत सेविंग वगैरह करो, मेरी तरह निकम्मे ना बनो। मैंने तो अपनी 1 साल में उड़ा दी और फिर अब जब नेक्स्ट ईयर मेरा जब आया था, सेकेंड ईयर में जब मैं था भाई, इतनी दिक्कत आती थी ना, काफ़ी बड़ी ऐसा भी हुआ कि यार जेब में 1 रुपया नहीं होता था, ठीक है। बट कोई नहीं, अब तो चलो सीख गए हम थोड़े बहुत तौर तरीके। तो आप स्मार्ट वर्क करें, है ना, बुद्धू ना बने, और बस यही कहना चाहता था। और बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार, एंड कमेंट पे ना मेरे को ज़रूर बता दिया करो कि यार अब और कौन से टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पता क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो उस चक्कर में ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बट हाँ, मैं कोशिश करता हूँ अपना कि हाँ अपना बेस्ट दे सकूँ। सो प्लीज़ कमेंट पे जाके ना अभी राइट अवे जाके लिख दो कि यार आपको वीडियो में क्या पसंद आया, और ये भी लिख दो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे जाते हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।